इतने छोटे फॉर्म फैक्टर में आज से पहले आपने कोई भी ऑसिलोस्कोप नहीं देखा होगा और यही चीज़ इसको सबसे ज़्यादा स्पेशल बनाती है। और सिर्फ यही नहीं, इस ऑसिलोस्कोप में मल्टीमीटर भी बिल्ट इन है और साथ में एक पेंसिल की फंक्शनैलिटी भी आपको मिल जाती है जो कि नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज डिटेक्शन का फीचर आपको देता है। तो आज की वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि क्या चीज़ें इस प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा स्पेशल बनाती हैं। जो भी कॉमनली मल्टीमीटर्स होते हैं, जो भी फंक्शनैलिटीज़ वो आपको ऑफर करते हैं, वो तो ये करता ही है, उसके साथ ये बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी भी देता है। लेकिन इसका सबसे स्पेशल फीचर ये है कि इसमें एक ऑसिलोस्कोप बिल्ट इन है। ऑसिलोस्कोप के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो 10 मेगा हर्ट्स तक की बैंडविड्थ ये आपको देता है और 48 मेगा सैम्पल्स पर सेकेंड की इसकी सैम्पलिंग रेट है। AC DC दोनों ही कपलिंग ये देता है। 1x और 10x के अटेन्यूएशन को ये सपोर्ट करता है। मैक्सिमम 300 वोल्ट्स तक आप इससे नाप सकते हैं, यानी जो मेंस की लाइन होती है उसका मेजरमेंट आप इसके ज़रिए ले सकते हैं। साथ में जो भी बेसिक फंक्शनैलिटीज़ आपको किसी भी ऑसिलोस्कोप में मिलती है वो तो देता ही है। खैर, एक छोटे फॉर्म फैक्टर में ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बन जाता है क्योंकि इसी के अंदर एक मल्टीमीटर भी बिल्ट इन है। मल्टीमीटर मोड में आप इसे वोल्टेज, कैपेसिटेंस, रेसिस्टेंस और करंट ये सब तो मेजर कर ही पाएंगे, बल्कि इसमें NCV का भी फीचर दिया गया है। ऊपर की तरफ इसमें एक सेंसर लगा मिलता है और जैसे ही आप इसको किसी पावर सोर्स के नज़दीक ले जाएंगे तो ये बीप करने लगता है। तो NCV डिटेक्शन इसमें है। साथ ही इसमें एक LED लाइट भी दी गई है ताकि अंधेरे में आप आराम से काम कर पाए। इसके अंदर एक रिचार्जेबल बैटरी है जिसको आप एक USB टाइप सी केबल से चार्ज कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इसमें स्क्रीन सेव करने का भी फीचर मिल जाता है और जो भी स्क्रीनशॉट्स आप इसमें सेव करेंगे उनको कंप्यूटर से कनेक्ट करके एक्सेस भी कर सकते हैं। कुछ साल पहले इस तरह की कोई डिवाइस तो खैर इमेजिन कर पाना ही बहुत बड़ी बात होती थी क्योंकि ऑसिलोस्कोप टिपिकली काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। अब तो खैर टैबलेट साइज़ में भी आने लग गया और ये बहुत ही इंप्रेसिव है। अगर इसकी कीमत की बात करें तो यह प्रोडक्ट आपको 7,000 रुपये के आसपास मिल जाना चाहिए। करंट प्राइसेस चेक करने के लिए, इसको खरीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर जाके आप चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी सवाल है मल्टीमीटर ऑसिलोस्कोप से जुड़े हुए तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।